हाउ आई रीच्ड योर एंड वॉट हेज़ बिन माई जर्नी कैसे यहाँ पर पहुँची हूँ तो ये कहूँगी सबसे पहले कि स्कूल में मेरे पूरी एजुकेशन जो है भोपाल में कम्प्लीट हुई है तो स्कूल में कहीं से कीड़ा आ गया था कि कहीं किसी को देख लिया होगा कहीं सुन लिया होगा कहीं पढ़ लिया होगा कि आई एस ऑफिसर नाम की कोई चीज़ होती है बट तब मुझे ये भी नहीं पता था कि दैज़ ए यू पी एस सी एग्ज़ैम यू कैन बिकम समथिंग एल्स इज़ वेल देर आर अदर कैटेगरीज देर आर अदर ऑप्शंस कुछ भी नहीं पता था वाइल आई गॉट इन टू ग्रेजुएशन तो ग्रेजुएशन में सेकेंड थर्ड ईयर सेकेंड ई ईयर में जब आई तब लगा कि एग्जैक्टली exactly करना क्या है क्या आप केमिकल इंजीनियर की नौकरी करना चाहते हैं लाइफ टाइम क्या करना चाहते हैं तो ऐसे कुछ क्वेश्चन मेरे दिमाग में थे एंड आई स्टार्टड गोइंग थ्रू द एंटायर करियर ऑप्शंस और फिर लगा कि नहीं कहीं पे जो पीछे दिमाग में एक था उसको आगे लाने की ज़रूरत है हमेशा दिमाग में ये तादा था कि मैं बहुत ही नॉर्मल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ मेरे फैमिली में किसी ने आज तक यूपीएससी का फॉर्म भी नहीं भरा है एग्जाम भी नहीं दिया है प्रिपरेशन भी नहीं किया तो मेरे लिए बहुत डाउट्स थे बहुत फियर्स थे पर ये लगता था कि क्या मैं पढ़ाई के बलबूते पे अपनी लर्निंग कैपेसिटी से अपने एक नॉलेज जो नॉलेज हम गेन करते हैं उसके बेसिस पे क्या मैं ऐसे पोजीशन पे पहुंच सकती हूँ जहाँ पे लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ किसी की लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज ला सकती हूँ और फिर लगा कि नहीं सिविल सर्विस एग्ज़ाम इज़ वन सच डोर जो अगर मेरे लिए खुला तो शायद मैं उस जगह पर पहुँच सकती हूँ तो जब मैं चली थी बहुत सारे डाउट्स लेके चली थी मैं ग्रेजुएशन के साथ प्रिपरेशन करना शुरू किया था मैंने तो दिल्ली नहीं जा पा रही थी उस टाइम और फाइनेंशियल कंडीशन भी ऐसी नहीं थी कि सोचू कि ये कर लेते हैं फिर जाएंगे दिल्ली तो लगा कि चलो अभी से शुरू करते हैं कॉलेज के साथ सर आपको एक बात बताना चाहूँगी भोपाल में हम लोग रहते हैं या दूसरे शहरों में तो हमारे लिए डेली एक बड़ा एनिग्मा होता है और स्पेशली सिविल सर्विस के वर्ल्ड के लिए ऐसा लगता है कि दिल्ली नहीं जाएंगे तो शायद अपना कुछ नहीं हो पाएगा तो वैसा मुझे भी लगता था बट आपको सही बात बताऊं मैं मॉक इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली गई थी जान फेबर ट्वेंटी फर्स्ट को मेरा इंटरव्यू था और जनवरी को मैं मॉक इंटरव्यूज देने गई जब मैं वहाँ स्टेप इन किया मैंने वो एक एरिया है करोल बाग इन दिन ओल्ड राजेंद्र नगर जो हम सुनते रहते हैं पढ़ते रहते हैं वो टेरिफाइंग था मेरे लिए हर बिल्डिंग पे हर जगह देश की सिविल सर्विस एग्जाम इसमें इतना कोर्स ये पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं मैंने अपने आप को कहा अगर यहाँ पे मैंने तैयारी शुरू की होती ना तो नहीं करा कर पाती शायद यहाँ पे रहकर इन द कंफर्ट ऑफ माय होम जो भी रिसोर्सेज मिले मुझे यहाँ पर और इंटरनेट पे जितना मैं उनका उनको यूज़ कर पाई वट एवर आई कुड यूज़ आई यूज इट एंड आई क्लियर इट एंड इफ आई एम एबल टू डू इट इफ़ आई वॉज एबल टू डू इट आप भी कर सकते हैं दिस इज़ द सिंगल बिगेस्ट मैसेज जो मैं आपको यहाँ पे देना चाहती हूँ बाकी वील विल मूव इन टू स्ट्रैटेजी क्या करना है कैसे टाइम मैनेज करना है एंड स्टफ लाइक दैट बट दिस दिस बेस लाइन मैसेज कि आप कर सकते हो आप जहाँ से भी हो भोपाल से हो या आप कहीं और हों आप कर सकते हैं एंड दर्स आर लॉट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल एंड यू कैन डू इट तो वी विल स्टार्ट अभी थोड़ा आई हैव प्लैंड कपल ऑफ थिंग्स जो मैं चाहती हूँ आपसे शेयर करना विच आई विल शेयर विथ यू

हम कहीं से आते हैं हमारे परिवार डिफरेंट है हमारे एजुकेशनल बैकग्राउंड्स डिफरेंट है हमारी सोच अलग है हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं किसी को हिस्ट्री अच्छा लगता है किसी को पॉलिटी पसंद आता है तो इन सब चीज़ों में आपकी जो स्ट्रैटेजी बनेगी वो आपकी खुद की होगी और वही आपको सिलेक्शन दिलाएगी और इसलिए डरना नहीं है अप, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी आपको बनानी है आप मुझे सुन सकते हैं घर जाकर किसी और के टॉपर के वीडियो सुन सकते हैं मैं भी देखती थी पर उन सब में से आपको जो भी कुछ अच्छा लगता है वही आपको फॉलो करना है खुद का कुछ लगता है वो करना है पर अपनी स्ट्रैटेजी आपको खुद बनानी है दैट्स वन एंड सेकेंड थिंग एंड इक्वली एंड आई वुड से मोर इंपॉर्टेंट कि अपने आप पर बिलीफ रखना है ये जर्नी लंबी है थोड़ी एक साल पूरा एग्जाम ले लेता है उसके पहले आप एक हाथ डेढ़ साल से पहले से प्रिपेयर करते हैं वो हो जाता है उसके पहले कभी सोच रहे हो तो उतना टाइम हो जाता है तो जर्नी लंबी है तो उस पूरी जर्नी में आपको अपने आप को हर दिन ये कन्विंस करना यू हैव टू कन्विंस योर सेल्फ एवरी सिंगल डे दैट आई विल बी एबल टू मेक इट रिगार्डलेस ऑफ वेर आई कम फ्रॉम रिगार्डलेस ऑफ वॉट आई स्टडीड एंड जैसे सर इज पॉइंटिंग आउट रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच परसेंटेज आई यूज टू स्कोर इन माई स्कूल डेज और कॉलेज डेज यू हैव टू कन्विंस योर सेल्फ एवरी सिंगल डे दैट येस आई विल मेक इट So, two things One, your strategy. And second, determination and faith on your own. Again, two numbers So, again, two things I'll tell you. Just as Sir had pointed out, again i I'll say, there's two things again which you have to have with you when you start. The first is the syllabus of this examination. You have to have a copy of your syllabus on your study table. क्योंकि प्रिलम्स में ठीक है दस बारह लाइन का है मेंस का जो सिलेबस है हर चीज़ एवरी वर्ड दैट इज रिटन इन योर सिलेबस इज इम्पॉर्टेंट हर एक वर्ड पे बीस बीस पेज के आपके नोट्स पच्चीस पेज के नोट्स आपके बन सकते हैं डिटेल में आप कंडेंस करके लिखो जो भी सोचो तो अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन शुरू कर चुके हैं एंड आपके पास सिलेबस की कॉपी नहीं है तो आई टेल यू यू हैव नॉट रियली स्टार्टेड पहले आप प्रिंट करा के सिलेबस अपने पास रख लीजिए द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रिवियस या क्वेश्चन पेपर्स बड़ा क्ली शेड साउंड करता है हर कोई बोलता है प्रिवियस या पेपर प्रिवियस या पेपर बट और कोई रेफरेंस नहीं है हम जिस एग्जामिनेशन को फेस करने जा रहे हैं वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है वॉट डे रियली वॉन्ट अस टू नो दिस यू विल ओनली अंडरस्टैंड वेन यू गो थ्रू द पेपर्स सो वेदर इट इज़ फॉर प्रिलम्स और फॉर मीन्स फाइव ईयर्स सिक्स ईयर्स पहले के सारे पेपर्स गेट इट प्रिंटेड अपने पास रखिए हर दिन हाफ एन आवर या फिफ्टीन मिनट्स वहाँ पे स्पेंड कीजिए गो थ्रू द पेपर्स गो थ्रू द क्वेश्चन आस्किंग यू एंड यू विल कम टू नो एग्जैक्टली कि क्या डिमांड है इस एग्जामिनेशन की नाउ मूविंग ऑन सर टोल्ड यू अबाउट द फेज ऑफ एग्जामिनेशन क्या पड़ाव होते हैं दस प्रिलिमिन्री एग्जाम दिस एंड मेन्ड दिस पर्सनैलिटी टेस्ट तो वैन वी स्टडी द प्रिपरेशन जर्नी ऑफ आर्स i did not uh, divide it into prelims or means or uh, essay i would divide my entire strategy and how i prepared into two parts the first is the study part what material you read what you study how you revise that's first part and the second part is attempting the paper how you are approaching the answer writing हाउ यू आर अटैम्प्टिंग द क्वेश्चन इन योर प्रमिलरी एग्जामिनेशन हाउ मनी अटेम्प्टू आर मेकिंग या कैसे क्या हो रहा है और द प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर दिस इज द सेकेंड पार्ट एंड दिस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट कई बार ऐसा होता है किताबें हम सब पढ़ रहे हैं नोट्स हम सब मटीरियल अच्छा पढ़ रहे हैं बट वी आर नॉट वर्किंग ऑन द प्रेजेंटेशन और वहाँ पर जब आपको नौ दिन नौ पेपर लिखना है पाँच दिन में वहाँ पर इट्स ओनली अबाउट योर प्रेजेंटेशन जो थ्री आर्स में आप लिख पाते हैं तो उस पर भी आपको इक्वली काम करना है सो फर्स्ट लेटस्ट टॉक अबाउट द स्टडी पार्ट वॉट एवर वी हैव टू स्टडी कैसे क्या पढ़ना है लॉट ऑफ माई प्रेपरेशन वॉज बेस्ड ऑन द करेंट अफेयर्स दैट वी हैव मेरे हिसाब से और मुझे ऐसा लगता था पर्सनली करंट अफेयर्स वॉज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस एंटायर प्रेपरेशन कोई आप स्टार्टिक पार्ट पढ़ेंगे मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप जोग्राफी पढ़ रहे हैं वो एक स्टार्टिक होता है उतना है उतनी किताब है इतने चैप्टर्स हैं पढ़ लीजिए इतना डायनामिज्म नहीं करंट अफेयर्स ऐसा है हर दिन कुछ नया हो रहा है हर दिन कुछ एडिशन हो रहा है मज़ा आता है ये पढ़ने में कि हाँ इंडिया इसराइल में कुछ नई चीज़ें हो रही हैं इसराइल में कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो हम ले सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने में पॉलिटी का कुछ हुआ वो पढ़ने में तो न्यूज़ पेपर्स विच इज़ द बेस सोर्स फॉर योर करंट अफेयर्स वो आपको बहुत कुछ सिखा देगा अबाउट द एंटायर प्रपरेशन मैंने न्यूज़ से काफ़ी कुछ सीखा आई यूज टू मेक माई ओन नोट्स आउट ऑफ द न्यूज़पेपर। और उसका जो एडिटोरियल सेक्शन होता है उसका स्पेशली आई यूज टू मेक नोट्स एंड जॉट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी लगते थे मुझे कि ये ज़रूरी है सही है कैसे पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है, है फिर वही सिलेबस और प्रीवियस ईयर के पेपर्स अब खुद के नोट्स बनाने से होता ये है कि एक तो आपका कॉम्प्रीहशन अच्छा होता है आप जब उसकी लैंग्वेज पढ़ते हो न्यूज़पेपर की किसी न किसी ने लिखा होता है उनके अपने व्यू पॉइंट्स होते हैं किसी तरीके से वो शुरू करते हैं इंट्रो देते हैं धीरे धीरे टॉपिक्स में ले जाते हैं डिवाइड करते हैं तो कैसे आपका आंसर लिखना है ये भी आप वहां से सीख सकते हो हाउ डू यू राइट हाउ डू यू कॉम्प्रीहेंड योर ओन व्यूज दैट यू कैन लर्न फ्रॉम द न्यूज़पेपर